आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथिक दवाइयों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिससे आप पाइल्स की बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन समस्या के बारे में जिसमें से हम में से कई सारे लोग पीड़ित तो होते हैं, परंतु उनमें हम इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं उस चीज़ को किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने में कि वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और वो बीमारी है हेमोरॉइड्स, जिसको आम बोलचाल की भाषा में पाइल्स या बवासीर कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जीवन की जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है जो हम लोग आजकल जीने लगे हैं उसके कारण ये डेवलप होती है, उन्हीं में से डेवलप होने वाली एक समस्या है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो इसलिए होता है क्योंकि जो रेक्टल और एनाल वेन्स जो होती हैं उनमें वेरिकोसिटी डेवलप हो जाती है, और जब कभी भी उन पर प्रेशर पड़ता है तो वो जो वेन्स हैं जिनमें डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे वो वीक हो जाती हैं। वीक हो जाने के कारण वहाँ पर ब्लड जो है वो भराने लगता है, और जब उनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो वेन्स जो हैं वो रप्चर कर जाती हैं, और वहाँ से जो है ब्लड का ऊजिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, उसको हम लोग हीमोरॉइड्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेन कॉजेज के बारे में कि आखिर पाइल्स होते क्यों हैं। सबसे पहले उसका रीज़न है प्रोलॉन्ग सिटिंग, मतलब कई घंटों तक बैठे रहना। बहुत सारे ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं और बैठे हुए काम करते हैं। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मींस कि अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण कि वो उनका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है हमारी इंटेस्टाइन का वो नॉर्मल नहीं रह पाता है, और जिसके कारण इंटेस्टाइंस धीरे 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 काम करना कम कर देती हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, जब हमारी बॉडी में फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ओवरवेट होने लगते हैं, तब उस कंडीशन को ओबेसिटी कहा जाता है। और इस ओबेसिटी के कारण पेशेंट्स में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, उस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर से धीरे धीरे रेक्टल प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण वहाँ पर जो वेन्स हैं वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता ख़त्म हो जाती है उनकी, और जिसके कारण अल्टीमेटली वहाँ पर हेमोरॉइड्स का डेवलपमेंट हो जाता है। दोस्तों, चौथा रीज़न है प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उन महिलाओं में भी ये हेमोरॉइड्स या पाइल्स की समस्या देखने में मिलती है। ये जो पाइल्स होते हैं या हेमोरॉइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पाइल्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये एनस के चारों ओर बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, ब्लू और पर्पल कलर के होते हैं। हालांकि ये पाइल्स बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या के रूप में नहीं जाने जाते हैं, और कभी कभी ये ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन इनका जो सबसे मेन जो इनके कारण जो तकलीफ होती है वो है पेन और बर्निंग। बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल पाइल्स के कारण पेन और बर्निंग होती है। दूसरा प्रकार है इंटरनल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रेक्टम के अंदर होते हैं, ये काफ़ी डीप होते हैं, इनमें दर्द बहुत कम होता है। दर्द कम होने का कारण है क्योंकि जो रेक्टम का एरिया होता है वहाँ पर पेन सेंसेशन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अब ये जो इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर जो स्टूल है वहाँ पर बार बार लगता है, स्टूल के कारण वहाँ फ्रिक्शन डेवलप होता है रफनेस के कारण, और वहाँ पे बहुत जल्दी जो है जो वेन्स हैं वो टूट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। ब्लीडिंग होती है, पेन होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल, एनाल में जो है वो इचिंग होती है, एनस के चारों ओर इचिंग होती है, कभी कभी प्रोलैप्स्ड हो जाते हैं, मतलब वो रेक्टम से बाहर निकल आते हैं, एनस से नीचे की तरफ आ जाते हैं, कुछ उसमें से कभी कभी सीक्रीशन भी होता है, एक स्टिकी सीक्रीशन भी होता है, और एक रेयर कंडीशन भी डेवलप होती है एनीमिया की। यदि पेशेंट में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और उसका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में पेशेंट को एनीमिया भी डेवलप हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम इसको रोकें कैसे। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। हमें जो बाहर जंक फूड हम लोग खाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर ये वो, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। दूसरा है कि हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऐसी सब्जियाँ या ऐसे फल
जिनमें रेशे बहुत ज़्यादा मात्रा में हों उनको शामिल करना है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन्स में जो है वो नॉर्मल मूवमेंट बना रहे और हमारा जो स्टूल है वो ईजीली पास आउट हो सके। तीसरा है रेगुलर मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं, जितनी ज़्यादा हमारे शरीर की फिजिकल एक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी इंटेस्टाइन्स में जो पेरास्टाल्जिक मूवमेंट है, जो एक रिदमिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का, वो नॉर्मल बना रहेगा और उसके कारण कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो हार्ड स्टूल नहीं होगा, हार्ड स्टूल के ना होने से हीमरॉइड्स नहीं होगा। चौथा है कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमें एक दिन में कम से कम 1 लीटर से 2 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। और भी बहुत सारे इसमें हमें बचने के तरीके हो सकते हैं, जैसे हमें चाय कॉफ़ी जो है आजकल एक बहुत लोगों में शौक है कि चाय कॉफ़ी वो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो दोस्तों इसकी निर्धारित मात्रा होनी चाहिए, 1-2 कप बहुत होते हैं चाय या कॉफ़ी के, और हमें उनसे चाय या कॉफ़ी से बचना चाहिए। और उसके साथ साथ वेट गेन भी एक, चूँकि ओबेसिटी उसका रीज़न है, तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी से हम किस तरह से, यदि किसी को हेमरॉइड्स हैं या पाइल्स हैं तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी बहुत अच्छे तरीके से हेमरॉइड्स के पुराने से पुराने क्रॉनिक केसेस को ठीक कर देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को होम्योपैथी में मिलते हैं। तो हमें कौन कौन से मेडिसिन यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, जो घंटों अपने काम में बैठे रहते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो ऐसे लोगों में नक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2 ड्रॉप शाम को सोते टाइम आप लें और केवल 2 बूंद दवाई, आप देखेंगे कि लगभग 15 दिन में आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कोलिनजोनिया कैनाडेंसिस। आप लोगों ने देखा होगा जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें प्रेगनेंसी के दौरान हीमरॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, तो यदि प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला में हीमरॉइड्स डेवलप हुए हैं तो उनमें सारी कंडीशंस में पेन हो, बर्निंग हो, इचिंग हो, ब्लीडिंग हो, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है कोलिनजोनिया कैनाडेंसिस। 30 पोटेंसी में इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लगभग 1 महीने लें, उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तीसरी जो मेडिसिन है वो है ब्राइनिया अल्बा। दोस्तों ब्राइनिया अल्बा एक ऐसी मेडिसिन है जिसके जो पेशेंट होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन से सीवियरली मतलब पीड़ित होते हैं और उनमें जो स्टूल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल होता है और इसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाने के कारण ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रप्चर हो चुकी होती हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों सल्फ़र। सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें एनस के चारों ओर बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है और उस बर्निंग को ख़त्म करने के लिए हमें सल्फ़र 30 पोटेंसी में हम 2 बूंद सुबह या 2 बूंद शाम को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमें लगभग 1-1.5 महीने करना चाहिए, जिससे हमारे जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों एस्क्यूलस। यदि आपको ऐसा लगता है कि हीमरॉइड्स के कारण किसी भी पेशेंट को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, उसको बहुत ज़्यादा बैकएक की शिकायत है, तो उस कंडीशन में एस्क्यूलस का मदर टिंचर बहुत अच्छा रहता है और उसकी हमें 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम 1 महीने तक यूज़ करना चाहिए, जिससे उसका कमर दर्द और हेमोरॉइड्स में बहुत ज़्यादा अंतर मिलता है। अगली मेडिसिन है दोस्तों हेमामेलिस। हेमामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें यदि पेशेंट को बर्निंग के साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में हम लोग हेमामेलिस का मदर टिंचर यूज़ करते हैं, वही 10-10 बूंद दिन में 3 बार हमें 1-1.5 महीने यूज़ करना चाहिए। उसके बाद मिल्लेफोलियम भी ब्लीडिंग के ही लिए यूज़ की जाती है, इसमें ब्राइट रेड ब्लड की जो है वो ब्लीडिंग होती है, तो यदि ब्राइट रेड ब्लड हेमोरॉइड्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है तो फिर मिल्लेफोलियम का 10-10 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। इसके बाद अगली जो मेडिसिन है दोस्तों उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, पियोनिया ऑफिसिनेलिस उसको बोला जाता है, और पियोनिया का जो काम है वो है कि एनस के और रेक्टम के चारों ओर ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्टूल जो बहुत ज़्यादा बर्निंग पेनफुल कंडीशन डेवलप होती है उसमें पियोनिया ऑफिसिनेलिस बहुत अच्छा काम करती है। इसका हमें मदर टिंचर 20-20 बूंद सुबह शाम लेना चाहिए, जिससे जो है हेमरॉइड्स के जितने भी सिम्टम्स हैं उनमें बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका
मतलब मेरा अनुभव ये कहता है कि 20-20 साल पुराने जो केसेस हैं हेमरॉइड्स के, वो भी पूरी तरह लगभग 1.5 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इन मेडिसिन को नोट कर लें। दोस्तों आपको MMLS मदर टिंचर, एस्क्यूलस मदर टिंचर और प्यूनिया ऑफिसनलिस मदर टिंचर की 30-30 ml की छोटी वाली शीशियाँ लेकर आना है। उनको 100 ml की एक बॉटल में इकट्ठा कर लें, अच्छे से उसको सक्कशन कर लें, उसको शेक कर लें। उसके बाद दिन में 10-10 बूंद, दिन में 3 बार या 4 बार आप बहुत अच्छे से ले, आधे कप पानी में मिलाकर, आप देखेंगे कि उससे आपके जो हैं हेमरॉइड्स के सारे सिम्टम्स, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो बर्निंग हो, और यहाँ तक कि ब्लीडिंग भी आपकी ख़त्म हो जाती है। अब इसके साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ साथ हम रतनिया एक मेडिसिन होती है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी मेडिसिन है र्यूम 30 potency में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों मेडिसिन से स्टूल भी जो है वो सॉफ्ट होने लगता है और बर्निंग बहुत कम हो जाती है, और एनस के चारों ओर जो पेन होता है, रेक्टम का जो पेन होता है या जो पेनफुल हिमरॉइड्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी कुछ अंतर आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये सारे वीडियोस जो भी मेरे चैनल पर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन दवाइयों से लाभान्वित हो सकें।